दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उत्तराखंड जो है वो हब्स से भरा हुआ है और हर एक हब्स की अपनी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। तो मैंने आपको थोड़ा सा हल्दी के बारे में बताया था। आज मैं हल्दी के बारे में आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रही हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा हल्दी के बारे में जान लेते हैं। हल्दी का जो साइंटिफिक नेम है वो कुरकुमा लौंगा है और वो जिंजिबेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। हमारे आयुर्वेद में तो हल्दी को एक बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और हल्दी का पौधा जो है वो बहुत ही पौराणिक पौधा है। पौराणिक होने के साथ साथ हल्दी हमारे किचन की भी शान है। अधिकतर सब्जी में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। और हमारे उत्तराखंड के बारे में आपको मैं एक रोचक बात बताऊं कि हमारे यहाँ ये बोला जाता है, अगर सब्जी में हल्दी ना पड़े तो वो अपशगुन होता है। तो बिना हल्दी के हमारे यहाँ तो सब्जी बनती ही नहीं है। तो हल्दी जो होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करती है और जोड़ों के दर्द को सही करती है। रात को आपको नींद नहीं आ रही है तो आप एक ग्लास दूध में हल्दी घोल के पी लें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आपका हाथ चाकू से कट रहा है या फिर आपको चोट आ गई है, उसमें से खून निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि एक चुटकी भर हल्दी लेके वहां पे लगा देंगे तो उससे आपका जो ब्लड निकल रहा है उसमें से वो कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब मैं उसके बारे में आपको बताऊं। जो रोचक बात मैं आपको बताने जा रही हूँ तो वो है रोली। हल्दी से हम रोली कैसे बनाते हैं, जिसको हमारे उत्तराखंड में पिठिया बोला जाता है। तो दोस्तों, हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाली रोली, भगवान को चढ़ने वाली रोली, हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक हल्दी से वो कैसे बनाई जाती है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी वैसे नहीं है तो आप बाजार से कच्ची हल्दी भी लाके उसको बना सकते हैं। हल्दी से जो पिठिया यानी कि जो रोली बनती है वो तीन चीजों से बनती है, हल्दी, नींबू और सुहागा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम नींबू, सुहागा और ऑर्गेनिक हल्दी से पिठिया बनाते हैं। तो दोस्तों, ये है धुली हुई हल्दी, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसका हम जो है, ये जो मेन पार्ट होता है इसकी, इसका पिठिया नहीं बनता है, इसका कुमकुम नहीं बन पाता है। इसका क्या करना होता है कि इस पे ये इसके जो सब पार्ट होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं, इनको इससे तोड़ लेना होता है। और जैसे कि ये यहाँ पे तोड़ के रखे हुए हैं ये पार्ट की, हम इसको हम उबालेंगे। अभी आपको दिखाऊंगी इसको कैसे उबालते हैं। तो उस इसी वाले पार्ट का हम पिठिया बनाते हैं, यानी कि इसका कुमकुम हम बनाते हैं। तो अभी दोस्तों आपको आगे को मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम पिठिया बनाते हैं। ये देखिए, ये बन रहा है एकदम शुद्ध और पहाड़ी तरीके से पिठिया। ये अभी हमने इसको उबालने के लिए रख दिया है। अब जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता है तब तक हम इसको उबालेंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसको इसमें से हटा देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी हल्दी अब पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको उबालने के बाद आप इसका अच्छे से छिलका उतार लें, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मेरी ईजा कर रही है। इसको इसका छिलका ये कद्दूकस करने में ही साइड हो जाता है, या फिर आप इसको पहले इसका छिलका उतार लें उसके बाद इसको कद्दूकस कर लें, या फिर इसका एक मेथड और है कि आप इसको काट भी सकते हैं, इसको काट के भी बनाया जा सकता है। लेकिन कद्दूकस करने से इसमें कलर ना बहुत जल्दी चढ़ जाएगा और ये बहुत अच्छे से बन जाएगा एकदम से। इसको कद्दूकस करने के बाद हम एक तांबे के बर्तन में इसको रख लेंगे। पिठिया बनाने के लिए यानी कि रोली बनाने के लिए ये कंपलसरी है कि इसको तांबे के ही बर्तन में रखा जाए। चाहे आप इसको काट के रखें या इसको कद्दूकस करके रखें, इसको तांबे के ही बर्तन में रखें। इसमें रखने के बाद आप इसमें नींबू निचोड़ेंगे और इसमें अच्छी तरीके से, जब तक नींबू का रस नहीं मिल जाता है तो इसमें आपको इतना नींबू निचोड़ना है कि जिससे ये थोड़ा ढक जाए, इसमें ऊपर तक नींबू का रस आ जाए। इस तरीके से इसमें हमने बड़े वाले कम से कम तीन या चार नींबू निचोड़ दिए हैं अभी तक। नींबू निचोड़ने के बाद ये है सुहागा। एक मिनट इजा, इसको बाहर निकाल के दिखाओ उसमें से, पैकेट से बाहर। हाँ, ये होता है सुहागा। इसको हम इसमें डालते हैं, पिठिया में डालते हैं, जिससे इसमें कलर आता है। तो इस सुहागे को हम इस तरीके से कूट लेते हैं, पहले अच्छे से इसको कूट लें। अब इसमें हम सुहागा मिला लेंगे। इस तरीके से इसको तोड़ लिया है, वो काफी हार्ड था तो उसको तोड़ लिया है अभी, और ऐसे इसमें सुहागा मिला लेंगे, इससे इसमें कलर आएगा। और इसको मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। ये देखिए, इसको इस तरीके से आप अच्छे से पूरे पिठिया में इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेन इसमें सुहागा ही होता है जिसकी वजह से इसमें कलर आता है। और इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इसमें ये कितनी क्वांटिटी में पड़ेगा। इसमें जो क्वांटिटी इसकी पड़ती है, आपका आपकी जितनी भी हल्दी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डालना होता है।
ये जैसे सब्जी में तेज नमक हो जाता है ना, बहुत तेज नमक, तो उसके हिसाब से इसको डालना पड़ता है, उसी हिसाब से। अबे यार, अब इसमें अच्छी तरीके से नींबू निचोड़ दिया है और सुहागा भी मिला दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब ये मिक्स करने के बाद हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। आप इसको गैस पे भी पका सकते हैं, हम तो आग में बना रहे हैं, पका रहे हैं इसको। ये कम से कम 10 मिनट के लिए आपको पकाना पड़ेगा और बीच बीच में आप इसको घुमाते रहें ताकि ये जले ना। इसको पकाते इसलिए है ताकि इसमें नींबू और इसमें जो सुहागा हमने मिक्स कर रखा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसमें कलर आ जाए। तो पहले इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको फिर बताती हूँ। अब ये पूरी तरीके से पक गया है, इसको 10 मिनट हमने पका लिया है। अब 10 मिनट पकाने के बाद आप देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे रोली यानी कि पिठिया का कलर होता है, ये वही कलर इसमें आ गया है। अब इसको हम बंद कर देंगे, फ्लेम से नीचे रख देंगे और इसको नीचे रखने के बाद हम इसको घर के किसी अंधेरे कोने में यानी कि डार्क प्लेस में रख देंगे। और डार्क प्लेस में रखने के बाद इसको 2-3 दिन बाद हम इसको देखेंगे कि ये कैसा बना है, इसमें पूरी तरीके से कलर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। अब इसको हम डार्क प्लेस में रख देते हैं और 2 दिन बाद हम इसको देखेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब मैं 2 दिन बाद आपको इसको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है, तो मिलते हैं 2 दिन बाद। दोस्तों आज 2 दिन बाद हमने इस पिठिया को देखा जो उस दिन हमने तांबे के बर्तन में अंधेरे कमरे में रख दिया था एक कोने पे। तो आज अब देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और घर का बना पिठिया आज तैयार हो गया है। अब इसको हम सुखाने के लिए रख रहे हैं, जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर आप इसको ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको उत्तराखंड के बारे में या किसी और चीज के जो उत्तराखंड से रिलेटेड है उसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू दोस्तों।